हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सर आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बहुत ही आसान और सरल तरीके से। जैसा कि हमने यूनिट और मेजरमेंट के कितने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए बेटा, 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आज ही हमारा कौन सा लेक्चर होगा? तो 5th नंबर का लेक्चर होगा। और आज का जो सेशन है या आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बेटा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस टॉपिक से, जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हर साल यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, या ये कह सकते हैं कि यहां से एक और दो क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं बेटा, आते हैं, हर साल आते हैं। तो इस टॉपिक को आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना है। ठीक है क्या? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, वो टॉपिक होगा हमारा एरर। कौन सा टॉपिक होगा बेटा? एरर होगा। पिन चेंज कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक होगा बेटा? एरर। ठीक है क्या? या त्रुटि हम इसको कहेंगे। ठीक है बेटा, एरर्स या तो क्या कहेंगे बेटा, त्रुटि। ठीक है क्या? जरा ध्यान से समझना। अब आप खुद सोचो कि त्रुटि क्या होती होगी। जैसे हम लोग क्या हुए बेटा, मार्केट गए। मार्केट में हमको क्या करना है, 1 किलो शक्कर खरीदना है। ठीक है, कितना खरीदना है बेटा? 1 kg हमको क्या खरीदना है, शक्कर खरीदना है। अब जरा ध्यान से समझना, दुकानदार को कितना मेजर करना चाहिए, कितना मापना चाहिए? तो उसको 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, अगर उसने उसने कितना किया बेटा, 900 ग्राम, है ना, 900 ग्राम अगर उसने मेजर किया है, इसका मतलब उसने कितना मापा नहीं है। तो आप कह सकते हो सर 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम उसने मापा नहीं है। तो ये जो 100 ग्राम है ये क्या है बेटा, त्रुटि है। त्रुटि का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो गलतियां हुई है ना, जो गलती हमसे हुई है उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, त्रुटि कहेंगे। कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का क्या किया है बेटा, एक्सपेरिमेंट किया है, प्रैक्टिकल किया होगा, तो कई बार मापते मापते क्या हो जाता है, गलत रीडिंग हम मेजर कर लेते हैं, गलत रीडिंग क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं आता। तो उसी को आज हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। तो त्रुटि का मतलब हम क्या समझे बेटा, त्रुटि का मतलब हम समझे कि जो गलतियां हमसे हुई है या आगे वाले से जो गलतियां हुई है उसको ही क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा, है ना, ध्यान से समझना। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा हट गया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना बेटा, ये क्या था बताइए हमारा, ये क्या था बेटा, 1000 ग्राम क्या था बताओ जल्दी से, 1000 ग्राम क्या था? तो ये था बेटा हमारा क्या, वास्तविक मान। ये क्या था बताइए, वास्तविक मान। और ये क्या था बेटा, 900 ग्राम, मापित मान, मतलब जो मापा गया। ठीक है क्या, मापित मान। ठीक है क्या? तो ये जो, और ये क्या था बताइए, 100 ग्राम, तो ये था क्या बेटा, त्रुटि। ये क्या था बताइए, त्रुटि या तो गलती। तो ये जो त्रुटि है ये किस किस का डिफरेंस है, किसका अंतर है? तो वास्तविक मान और मापित मान का क्या है बेटा, अंतर है। ठीक है क्या? तो डेफिनेशन कैसे बनेगी जरा ध्यान से समझना, डेफिनेशन कैसे बनेगी बेटा, किसी राशि, किसी राशि है ना के वास्तविक मान, वास्तविक मान और मापे गए, और मापे गए है ना, मान के अंतर को, मान के अंतर को, मान के अंतर को, ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, त्रुटि कहते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप समझ गए। तो यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है जरा बताओ। तो यहां पर बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी बेटा, कि ये वास्तविक मान, ठीक है, और मापित मान या मापा गया मान, ठीक है, इन दोनों के अंतर को, इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं। समझ में आया?
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वास्तविक मान और मापे गए मान को ही क्या, मापे गए मान के अंतर को, किसको बेटा, अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, त्रुटि कितने प्रकार की होती है ना, तो क्या लिख देते हैं, त्रुटि के प्रकार, त्रुटि के क्या बेटा, प्रकार। तो त्रुटि का पहला प्रकार सब लोगों ने पढ़ा है, त्रुटि का पहला प्रकार कौन सा होगा बेटा, तो त्रुटि का पहला प्रकार होता है क्रमबद्ध त्रुटि। क्या बोलते हैं बेटा इसे, क्रमबद्ध त्रुटि। अगर ये नाम थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सिस्टमैटिक एरर। क्या बेटा, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, यादृच्छिक, ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम त्रुटि भी कहते हैं, रैंडम एरर, ठीक है, क्या क्या कहेंगे बेटा, रैंडम एरर, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा सकल त्रुटि, क्या बेटा, सकल त्रुटि, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रॉस, है ना, ग्रॉस एरर, क्या कहते हैं बेटा, ग्रॉस एरर। एक बार देख लीजिए कौन सी त्रुटि हो गई बेटा हमारे पास, थ्री टाइप्स की, है ना, एरर हो गई हमारे पास, क्या क्या बेटा, क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर, यादृच्छिक त्रुटि, है ना, रैंडम एरर, और सकल त्रुटि क्या बेटा, ग्रॉस एरर, ठीक है क्या। अब इसको एक एक करके क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है क्या, ध्यान से समझना। तो पहला हमने क्या लिया बेटा, पहला लिया हमने क्रमबद्ध त्रुटि, क्या बेटा, क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है, सिस्टेमेटिक एरर, क्या बेटा, सिस्टेमेटिक एरर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ऐसी त्रुटियां होती हैं, ऐसी त्रुटियां होती है जिसका कारण हमको पता होता है, हमें मालूम है कि इस वजह से त्रुटि आई है, तो ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं बेटा, ऐसी त्रुटि को कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है क्या, सिस्टमैटिक एरर। त्रुटि क्यों आई है मुझे पता है, जैसे शक्कर अभी खरीदने गए थे हम लोग मार्केट, त्रुटि क्यों आई है, उसने 900 ग्राम खरीदा, उसको पता है किस वजह से त्रुटि आई होगी, ठीक है क्या। तो ऐसी त्रुटि जिसका कारण हमें पता होता है, ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है बेटा। और ये जो त्रुटि होती है, ये त्रुटि कैसी होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जरा समझना, इसमें मेन पॉइंट्स लिख देते हैं भाई, क्या क्या भाई, किसके कारण आती है, मतलब क्या होती है त्रुटि। तो ऐसी त्रुटि है ना, त्रुटि जिसका कारण ज्ञात होता है, हमें पता होता है, ठीक है क्या बेटा, जिसका कारण हमको क्या होता है, पता होता है। दूसरी बात हमने क्या बोला कि ऐसी त्रुटियां क्या हो सकती है, ऐसी त्रुटियां, है ना, ऐसी त्रुटियां, ठीक है, धनात्मक भी होती है और क्या होती है बेटा, ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक और क्या होती है बताइए, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है क्या। और क्या, अब इसे कम कैसे करें, कम कैसे करेंगे जरा समझो, कम कैसे करेंगे, सोचो जरा, कम कैसे करेंगे ऐसी त्रुटियों को, सोचो सोचो जल्दी सोचो, ऐसी त्रुटियों को कैसे कम करेंगे। तो यथार्थ उपकरण, अच्छा वाला उपकरण लेंगे, या हमको अगर पता है, ठीक है, हमको क्या है बेटा, पता है किस वजह से हुई है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे, ठीक है क्या। तो या आप थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिखें, है ना, क्या इसको कम किया जा सकता है, हाँ कम किया जा सकता है, कारण याद होने की वजह से, कारण याद होने की वजह से, है ना, कारण, एक मिनट बेटा, कारण, अरे है ना, कारण ज्ञात होने की वजह से, याद होने की वजह से, है ना, की वजह से, कारण याद होने की वजह से
इसको न्यूनतम किया जा सकता है, इसको न्यूनतम किया जा सकता है, किया जा सकता है। आई होप आप इसे समझ गए, न्यूनतम किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब याद रखना, कारण याद होगा, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक होगी, कारण याद होने की वजह से इसको न्यूनतम किया जा सकता है। अब जरा समझना बेटा, क्या समझना, क्या समझना, क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार, क्रमबद्ध त्रुटि के क्या बेटा, प्रकार। तो ये त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की त्रुटियां होती है। क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की त्रुटियां होती है। एक होती है क्या बेटा, एक होती है मेरे पास है ना उपकरणीय, उपकरणीय त्रुटि या क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा है बेटा मेरे पास वातावरणीय, वातावरणीय त्रुटि। और एक होती है कौन सी बेटा, एक होती है प्रेक्षणात्मक, प्रेक्षणात्मक त्रुटि। आई होप आप समझ गए। देख लो भाई, उपकरणीय त्रुटि और क्या बेटा, वातावरणीय त्रुटि, और एक क्या बताइए, प्रेक्षणात्मक त्रुटि। अब सोचो जरा, सोचो उपकरणीय त्रुटि क्या होती होगी, उपकरणीय त्रुटि क्या होती होगी, सोचो जल्दी से, उपकरणीय त्रुटि क्या होती होगी, ठीक है, उपकरणीय त्रुटि क्या होती होगी, उपकरणीय त्रुटि क्या होती होगी, है ना। चाहो तो आप इसे इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्या बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, सोचो उपकरण से रिलेटेड त्रुटि है ये, इसका मतलब उपकरण की बनावट, उपकरण की आकृति की वजह से, किसकी वजह से, उपकरण की आकृति है ना, या उपकरण की बनावट की वजह से इसमें जो त्रुटि आ रही है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उपकरणीय त्रुटि कहेंगे। ठीक है, क्या क्या कहेंगे बेटा, उपकरणीय त्रुटि कहेंगे। या मापन के समय, मापन के समय क्या कर रहे हैं बेटा, हम उपकरण का गलत प्रयोग कर रहे हैं, जरा समझना, मापन के समय उपकरण का क्या कर रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से भी ये त्रुटि आ सकती है। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर कुछ मेन पॉइंट्स लिख देता हूं। मेन पॉइंट्स कौन से लिख दें, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट क्या बोला बेटा, उपकरण की बनावट, उपकरण की बनावट या आकृति, या हम ऐसे लिख सकते हैं दोषपूर्ण बनावट, दोषपूर्ण क्या बेटा, बनावट। ठीक है, क्या दो चीजें हो गई, और क्या कहा हमने, है ना, मापन उपकरण का, मापन उपकरण का गलत प्रयोग, गलत प्रयोग। ठीक है क्या, ये दो बातें आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, ये दो दो पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है क्या, एमसीक्यू में देखना भयानक कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो इसलिए ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, उसको जरा ध्यान से समझना। उपकरण है तो उपकरण की आकृति या उसकी क्या बेटा, बनावट, इसकी वजह से जो उसमें एरर आ रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपकरणीय त्रुटि कहेंगे। ठीक है, या उपकरण का हम मापन के टाइम पर क्या कर रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो ये त्रुटि आई। कम कैसे करोगे भाई, कम कैसे करोगे, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, यथार्थ उपकरण, क्या बेटा, यथार्थ उपकरण का प्रयोग करके, है ना, उपकरण का प्रयोग करके इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, यथार्थ उपकरण का प्रयोग करके इसको कम किया जा सकता है। सेकेंड एरर ये हुआ क्या बेटा, उपकरणीय, ठीक है, सेकेंड क्या था हमारे पास, जरा देखो, वातावरणीय त्रुटि, तो वातावरण की वजह से, किसकी वजह से बेटा, वातावरण की वजह से, है ना, किसकी वजह से, वातावरण, तो वातावरणीय त्रुटि क्या होगी, है ना, वातावरणीय त्रुटि क्या होगी, वातावरणीय त्रुटि को क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल, है ना, एरर।
ठीक है क्या? एनवायरमेंटल एरर। तो वातावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन, किसमें? वातावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से जो त्रुटि आ रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वातावरणीय त्रुटि कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर वातावरणीय परिवर्तन कैसे? तो ताप हो गया, दाब हो गया, धूलकण हो गए, कंपन हो गए, या हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण भी ये क्या होती है बेटा? त्रुटि आती है। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है, तो जरा समझना बेटा पॉइंट को, है ना, पॉइंट को जरा समझना। पहला पॉइंट क्या बेटा? हमने पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ठीक है, पहला पॉइंट हम यहां लिखेंगे कि वातावरणीय परिस्थितियों में, है ना, वातावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन, वातावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, है ना, के कारण ये त्रुटि आती है बेटा, ठीक है क्या? दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या? अब ये वातावरणीय, है ना, वातावरणीय परिस्थितियां क्या है भाई? वातावरणीय परिस्थितियां कौन सी कौन सी है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हो सकता है ताप की वजह से, हो सकता है दाब की वजह से, हो सकता है आर्द्रता की वजह से, हो सकता है धूल कण की वजह से, हो सकता है ना, किसकी वजह से बेटा? हो सकता है ना, धूल कण की वजह से, अरे यार, धूल कण की वजह से हो सकता है, कंपन की वजह से हो सकता है, क्या बेटा? चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, और क्या बेटा? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण ये त्रुटियां आ सकती है, ठीक है, किसकी वजह से? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण भी ये त्रुटियां आ सकती है। कौन सी त्रुटि भाई? वातावरणीय त्रुटि, ठीक है, एनवायरमेंटल एरर। आई होप आप इतने को समझ गए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? प्रेक्षणात्मक त्रुटि। अब सोचो जरा प्रेक्षणात्मक त्रुटि क्या होती होगी, सोचो जल्दी से, है ना। थर्ड हम यहां लिख देते हैं प्रेक्षणात्मक त्रुटि, ठीक है, थर्ड है बेटा यहां पर प्रेक्षणात्मक त्रुटि, प्रेक्षणात्मक त्रुटि इनवा सॉरी, है ना, ऑब्जर्वेशनल एरर। जल्दी सोचो जरा, प्रेक्षण करते टाइम पर, पाठ्यांक लेते टाइम पर जो त्रुटि होगी, क्या बेटा? पाठ्यांक लेते टाइम पर जो त्रुटि होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेक्षणात्मक त्रुटि कहेंगे, ठीक है क्या? या उपकरण को, किसको बेटा? उपकरण को अनुपयुक्त तरीके से देखने से, अनुपयुक्त तरीके से अगर आपने देखा है उपकरण को, आपने सही नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये त्रुटि आएगी, ठीक है बेटा। उपकरण को अनुपयुक्त तरीके से देखना, ठीक है बेटा, या प्रेक्षण के समय असावधानी रखना, या असावधानी से अगर आपने क्या किया है बेटा, प्रेक्षण लिया है, तो ये त्रुटि आएगी, ठीक है क्या? तो पहली बात क्या बताइए, पहली बात क्या बोला हमने, पहली बात क्या बोला बेटा हमने, है ना, उपकरण को, किसको बेटा? उपकरण को अनुपयुक्त, है ना, अनुपयुक्त तरीके, अनुपयुक्त तरीके, है ना, से प्रयोग करना, इसके कारण क्या हो सकती है बेटा? प्रेक्षणात्मक त्रुटि आ सकती है। दूसरी बात क्या है ना, प्रेक्षण के समय, प्रेक्षण के समय असावधानी बरतने से, ठीक है, असावधानी रखने के कारण ये त्रुटि आ सकती है, ठीक है बेटा। आई होप आप इतनी बात को मेरी समझ गए,
ठीक है क्या? अब मैं चाहता हूं कि आप जितने भी एरर मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से क्या कर लो बेटा, अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ताकि न्यूमेरिकल बनाते टाइम पे, सॉरी एमसीक्यू बनाते टाइम पर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है क्या? हाँ, अब जरा ध्यान से समझना। अभी तक हमने किसके टाइप्स पढ़ा, अभी तक हमने किसके टाइप्स पढ़ा जरा देखो। तो अभी तक हमने टाइप्स पढ़ा है किसके बेटा, क्रमबद्ध त्रुटि के। किसके टाइप्स पढ़ा है? क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी त्रुटि क्या थी मेरे पास जरा देखो, यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर, ठीक है क्या? अब जरा सोचो भाई क्या होती होगी, है ना, क्या होती होगी यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, सेकेंड टाइप ले लेते हैं हम लोग, सेकेंड टाइप ले लेते हैं बेटा क्या, यादृच्छिक, यादृच्छिक त्रुटि, है ना, रैंडम एरर। क्रमबद्ध एरर में मैंने क्या बताया था कि जो त्रुटि आती है ना, क्या बेटा, जो त्रुटि आती है उस त्रुटि का कारण हमें पता होता है। त्रुटि का कारण क्या होता है बेटा, हमें पता होता है, लेकिन लेकिन है ना, किसका कारण हमें नहीं पता होता बेटा, यादृच्छिक त्रुटि किस कारण से आई है ये हमें पता नहीं होता, ठीक है क्या? किस कारण से त्रुटि आई है ये हमें पता नहीं होता। तो यादृच्छिक त्रुटि में मैं लिख देता हूं बेटा क्या, है ना, क्या लिख दूं, यादृच्छिक ऐसी त्रुटि, है ना, ऐसी त्रुटि, ऐसी त्रुटि जिसका कारण ज्ञात नहीं होता, ठीक है बेटा। ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इससे सुधारे कैसे, कम कैसे करें, न्यूनतम कैसे करें? तो याद रखना बेटा, क्या याद रखना, प्रेक्षण, जो भी हमने प्रेक्षण लिया है ना, जो भी प्रेक्षण हमने लिया है ना, जो भी हमारे पास प्रेक्षण है, प्रेक्षण का माध्य लेकर, क्या बेटा, प्रेक्षण का माध्य लेकर हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, सुधार सकते हैं। माध्य लेकर क्या कर सकते हैं बेटा, सुधार सकते हैं। और उसी को हम लोग क्या मानेंगे, ट्रू वैल्यू मानेंगे, मतलब वास्तविक मान मानेंगे, ठीक है क्या? जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, है ना, तो सपोज आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और किसी ने कहा कि इस क्लास के बच्चों की, है ना, बच्चों की एज क्या है, तो अब एक एक करके तो नहीं बताएंगे, है ना, तो सबकी क्या करना पड़ेगा बेटा, जितने भी स्टूडेंट हमारे पास है, सपोज 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट की एज को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और 30 से उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है क्या बेटा, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 + 5 15, और इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं किससे बेटा, 5 से, तो 5 3 = 15, तो इसका जो एवरेज वैल्यू आया, एवरेज वैल्यू आया ये कितना आया बेटा, 3 आया। एवरेज वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो जो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस होंगे, जो मेरे पास प्रेक्षण होंगे, उनका क्या करना पड़ेगा, मेरे को माध्य निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा या मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो मीन निकालना पड़ेगा। अगर मीन हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसी माध्य को, उसी मीन को, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं बेटा, माध्य कहेंगे। मीन को क्या कहेंगे, माध्य कहेंगे। तो माध्य निकालने पर ही हम उसको क्या करेंगे, वास्तविक मान मानेंगे, ठीक है क्या? आई होप आपको यादृच्छिक त्रुटि भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड त्रुटि थी बेटा, है ना, थर्ड वाली कौन सी थी? अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें एक नोट याद रखना, अगर इससे रिलेटेड, क्या बेटा, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल अगर आपको आ जाए, क्या आ जाए, न्यूमेरिकल अगर आपको आ जाए तो उसको कैसे बनाना है ना, जब, याद रखना है ना, जब प्रेक्षणों की संख्या, क्या बेटा, जब प्रेक्षणों की संख्या
एन गुनी है ना, जब प्रेक्षणों की संख्या एन गुनी हो तो उसकी यादृच्छिक त्रुटि है ना, यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है बेटा, यादृच्छिक त्रुटि है ना, यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है, क्या हो जाएगी बोलो, यादृच्छिक त्रुटि 1/n गुना हो जाएगी, गुना हो जाएगी, मतलब उसकी त्रुटि क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक है क्या। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख ले, देखो प्रेक्षण की संख्या क्या कर दी जाए बेटा, एन गुनी कर दी जाए, प्रेक्षण की संख्या क्या कर दी जाए, एन गुनी कर दी जाए, तो यादृच्छिक त्रुटि क्या होगी बेटा, 1/n होगी, ठीक है क्या, यादृच्छिक त्रुटि क्या होगी, 1/n होगी, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम करते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझना। यदि 100 पाठ्यांकों, क्या बेटा, 100 पाठ्यांकों का है ना अंक गणितीय माध्य एक्स है, ठीक है बेटा, अंक गणितीय माध्य क्या है, एक्स है, तो 500 पाठ्यांकों का है ना, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यदि 100 पाठ्यांकों है ना, पाठ्यांकों का अंक गणितीय माध्य त्रुटि है ना एक्स है, तो 500 है ना, कितना बेटा, 500 पाठ्यांकों है ना, पाठ्यांकों का है ना अंक गणितीय माध्य त्रुटि है ना की लिख देते हैं, तो 500 पाठ्यांक की अंक गणितीय माध्य त्रुटि कितनी होगी, कितनी होगी, सोचो जल्दी से, जल्दी से सोचो कितनी होगी, अभी मैंने बोला है 1/n गुना होगी, ठीक है, ये त्रुटि कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, यादृच्छिक त्रुटि है ना, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, यादृच्छिक त्रुटि कितनी है बेटा, एक्स है, तो 500 पाठ्यांकों की अंक गणितीय माध्य त्रुटि है ना, यादृच्छिक त्रुटि कितनी होगी, सोचो जल्दी से है ना, सोचो जल्दी से, 100 की कितनी है बेटा, एक्स है, 100 की कितनी है बताइए, एक्स है, ठीक है, और इसमें कितना गुना कर दिया है हमने, 5 गुना बढ़ा दिया है भाई, 100 से कितना हुआ है बेटा, 500, 100 से कितना हो गया, 500, तो इसकी यादृच्छिक त्रुटि कितनी होगी, तो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया क्या, यदि प्रेक्षणों की संख्या n गुनी है तो उसकी यादृच्छिक त्रुटि 1/n गुना हो जाएगी, तो जरा समझो, प्रेक्षण कितने हैं मेरे पास, प्रेक्षण कितने हैं बेटा, 100, ठीक है क्या, उसमें त्रुटि कितनी है बताइए, x, तो अब मैंने इसका कितना गुना कर दिया, कितना गुना कर दिया बताइए, 5 गुना कर दिया, तो जो त्रुटि थी यादृच्छिक त्रुटि कम होकर कितनी हो जाएगी बेटा, x/5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x/5, जैसे और समझते हैं, जैसे मेरे पास 700 पाठ्यांक है, उसमें त्रुटि कितनी है बेटा, x है, त्रुटि कितनी है, x है, ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे पास 1400 पाठ्यांक है तो उसमें त्रुटि कितनी हो जाएगी, x/, ये कितना गुना है जरा देखो, 2 गुना, तो x/ कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा बताइए,
दो गुना होगा ये, और त्रुटि कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन टू, मतलब यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, कम होती है। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है बेटा, कम होती है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो हमने कौन सी त्रुटि पढ़ लिया बेटा, कौन सी त्रुटि पढ़ लिया है ना, यादृच्छिक त्रुटि पढ़ लिया। अब एक और त्रुटि बच गई, कौन सी बेटा, एक और त्रुटि बच गई है हमारे पास है ना, एक त्रुटि कौन सी है बताओ भाई, सकल त्रुटि, सकल त्रुटि है ना, ग्रॉस एरर, क्या बेटा, ग्रॉस एरर। अब सोचो जरा इसके बारे में, ये सकल त्रुटि क्या होती होगी, सकल त्रुटि क्या होती होगी सोचना है आपको। जब हम क्या कर रहे हो बेटा, मापन कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताइए, मापन कर रहे हो, तो उसके पढ़ने में, उसको देखने में जो त्रुटि आई है, समझना, पढ़ने में देखने में जो त्रुटि आई है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे सकल त्रुटि, क्या कहेंगे बताइए, सकल त्रुटि। तो जरा समझना, क्या समझना बेटा, समझना कि ये जो त्रुटि आई है, ये त्रुटि क्या आई है ना, जब पाठ्यांक हम ले रहे है ना, मतलब जब हम क्या कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, तो उसको पढ़ने में है ना, या देखने में, या असावधानी अगर हमने बरत लिया हो, ठीक है क्या, उसको पढ़ने में देखने में या लिखने में है ना, लिखने में क्या कर दिया हो बेटा, असावधानी बरत लिया हो, असावधानी से हमने ये सब काम किया हो, तो उसकी वजह से जो त्रुटि आई है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सकल त्रुटि, पढ़ने में या उसको देखने में या लिखने में हमने क्या किया है बेटा, है ना, लापरवाही किया है, इस वजह से ये क्या आई है बेटा, त्रुटि आई है, ठीक है क्या। तो आई होप आपको ये सारी की सारी त्रुटि क्या हो गई बेटा, क्लियर हो गई होगी। अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझना है ना, त्रुटि को है ना, त्रुटि को व्यक्त करने है ना, त्रुटि को व्यक्त करना, त्रुटि को व्यक्त कैसे किया जाता है, त्रुटि को व्यक्त करने की कितनी विधियां है ये आपको समझना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बस हमारा थ्योरी पढ़ के हो जाएगी, यहां से जो होगा बेटा इसी टॉपिक से, मतलब यहां से जो हम पढ़ रहे हैं यहां से आपके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से आपको समझना है, ठीक है क्या। हाँ, तो व्यक्त करने की कितनी विधियां है भाई, तो तीन विधियां है मैडम, कितनी विधियां है बताइए, तीन विधियां है, सोचो जरा क्या क्या हो सकती है, तीन विधियां है मेरे पास। एक है बेटा निरपेक्ष विधि या निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है क्या, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है क्या। सेकेंड है बेटा रिलेटिव एरर है ना, सापेक्ष त्रुटि, क्या बेटा, सापेक्ष त्रुटि है ना, सापेक्ष त्रुटि मतलब रिलेटिव एरर, ठीक है क्या, रिलेटिव एरर। और तीसरी होती है बेटा प्रतिशत त्रुटि है ना, प्रतिशत त्रुटि, और इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर, क्या कहते हैं बेटा, परसेंटेज एरर। ये तीन प्रकार की त्रुटि और हमें पढ़ना है, ठीक है क्या। अब जरा ध्यान से समझना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, वास्तविक मान किसको समझना है, वास्तविक मान किसको समझना है, तो जितने भी हमारे पास प्रेक्षण है, जितने भी प्रेक्षण आए हैं उन सब का क्या करना है बेटा, माध्य निकालना है, क्या करना है, माध्य निकालना है, और माध्य को ही हम क्या मानेंगे, वास्तविक मान मानेंगे, ठीक है क्या। मतलब
सपोज मेरे पास बहुत सारे प्रेक्षण हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, अप टू। तो इनका मैं क्या निकालूंगा सबका बेटा, मीन निकालूंगा। क्या निकालूंगा बताइए, मीन निकालूंगा। तो इसे मैं डिनोट करूंगा किससे बेटा, ए मीन से। मतलब इसी को मैं क्या मानूंगा बताइए, वास्तविक मान। क्या मानूंगा बताइए, वास्तविक मान। ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर को किसको बेटा, एब्सोल्यूट एरर को, है ना, किसको, एब्सोल्यूट एरर को मतलब किसको, एब्सोल्यूट एरर को मतलब किसको बेटा, निरपेक्ष त्रुटि को मैं डिनोट करूंगा किससे बेटा, डेल ए से। और इसका भी माध्य निकालूंगा तब मैं कह सकता हूं कि ये वाली त्रुटि कौन सी है, निरपेक्ष त्रुटि है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा समझ में आ जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं कि मैं किसको किससे डिनोट कर रहा हूं, बस उतने को आपको समझ जाना है, ठीक है क्या। तो मैंने दो चीजें कहा, क्या बेटा, दो चीजें मैंने कहा, जरा ध्यान से समझना, ठीक है क्या, ध्यान से समझोगे ना। हाँ ध्यान से समझना। तो पहली जो त्रुटि है मेरे पास, वो त्रुटि कौन सी है, वो त्रुटि कौन सी है बेटा, एब्सल्यूट एरर, ठीक है क्या, एब्सल्यूट एरर त्रुटि है ना। कौन सी त्रुटि है, कौन सी त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि। तो इसे कैसे फाइंड आउट किया जाएगा बेटा, डेल ए मीन लिखा जाएगा, है ना, डेल ए मीन लिखा जाएगा, और है ना वास्तविक मान, वास्तविक मान माना जाएगा किसको, ए मीन को। किसको माना जाएगा, ए मीन को, ठीक है क्या, ए मीन को माना जाएगा। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप किसी भी भौतिक राशि को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जरा ध्यान से समझना बेटा। क्या करना, ध्यान से समझना, और बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ठीक है क्या। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको क्या करना है ना, भौतिक राशि को आपको क्या करना है, लिखना है, तब आप कैसे लिखोगे जरा समझें, ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं भाई, ठीक है, क्या क्या बेटा, वास्तविक मान, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, और क्या बेटा, प्रेक्षित मान, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को ही क्या कहते हैं बेटा, है ना, या मापित मान, ठीक है, मापित मान के अंतर को ही क्या बोलते हैं बेटा, अंतर को ही क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको कैसे लिखे हम, कैसे लिखे बेटा, तो फाइनल रिजल्ट अगर हमको लिखना हो किसी भी भौतिक राशि का, है ना, तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखें, तो ए मीन माइनस कर देते हैं, है ना, मापित मान, ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी बेटा, ए इज इक्वल टू, चाहो तो इसे ऐसा लिख लो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है इनका मीनिंग। तो डेल ए का मीनिंग क्या होता है बेटा, ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि, है ना, और ये क्या हो गई बेटा, ये हो जाता है वास्तविक मान, ठीक है, वास्तविक मान, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, मापित मान, ठीक है। चाहो तो इसको इधर ले जा लो, इसको इधर ले जा लो, बात एक ही है। हाँ ये वाली क्या होगी बेटा, प्लस माइनस में रहेगी, याद रखना इस बात को, किस में रहेगी बताइए, प्लस माइनस में रहेगी। अब दूसरी एरर को समझना बेटा, दूसरी एरर कौन सी है हमारे पास, दूसरी एरर है मेरे पास, है ना, दूसरी एरर है मेरे पास कौन सी बताइए, है ना, रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि, क्या है बेटा, सापेक्ष त्रुटि या रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो ये जो एरर होती है बेटा, ये रेशियो होती है, क्या होती है बताइए, रेशियो होती है, और किस किस का रेशियो होगी, तो ये रेशियो होगी बेटा, है ना, एब्सोल्यूट एरर और किसका, एब्सोल्यूट एरर और
मीन है ना, मीन हमने जो निकाला है, जो ट्रू वैल्यू हमारी है उसका रेशियो होती है। तो यहाँ पर है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम किस तरीके से, डेल ए मीन, डेल ए मीन अपॉन में क्या बेटा, ए मीन, ए मीन ये होती है क्या बेटा, सापेक्ष त्रुटि। क्या होती है बताइए, सापेक्ष त्रुटि या तो रिलेटिव एरर। क्या होती है बेटा ये, रिलेटिव एरर, ठीक है क्या, रिलेटिव एरर। तो ये हमारी क्या हो गई बताइए, ये हो गई एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं, और ये ट्रू वैल्यू वास्तविक मान, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो होती है कौन बेटा, सापेक्ष त्रुटि। अब एक काम ये करें कि थर्ड वाला जो हमारे पास है वो तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। थर्ड क्या है बेटा हमारे पास, प्रतिशत त्रुटि। थर्ड क्या है, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। क्या बताइए, परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता होगा सोचो जरा, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर की अगर बात करें तो परसेंटेज एरर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने जो रिलेटिव एरर फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, रिलेटिव एरर जो फाइंड आउट किया उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, परसेंटेज एरर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है क्या। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेटिव एरर को हमने क्या लिखा, डेल ए मीन अपॉन क्या बेटा, ए मीन इनटू क्या हो जाएगा बताएं, 100%। ये हो जाएगी हमारी क्या बेटा, परसेंटेज एरर। क्या हो जाएगी बताइए, परसेंटेज एरर, ठीक है बेटा, सॉरी, क्या हो जाएगी ये हमारी, परसेंटेज एरर हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये, परसेंटेज एरर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इस बार बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है क्या। तो न्यूमेरिकल इसके बहुत ज्यादा इजी है। न्यूमेरिकल को करने के लिए एक और टॉपिक आपको पढ़ना पड़ सकता है, जो वो भी पढ़ा देते हैं, ठीक है, चलो वो भी पढ़ा देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, क्या बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जरा ध्यान से समझना भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या क्या होती है। तो एरर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो कितने टाइप्स की कॉम्बिनेशंस हम पढ़ रहे हैं, है ना, कितने टाइप्स की कॉम्बिनेशन हमारे पास है जरा देखते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है बेटा हमारे पास सम और डिफरेंस। अगर सम के फॉर्मूले आए, किसके बेटा, सम के फॉर्मूले आए और डिफरेंस के फॉर्मूले आए तब क्या करेंगे, और अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन और किसके आए बेटा, डिवीजन के आए तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन ही हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन हम ये कर लेंगे कि अगर पावर के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूले आ जाए, घात के रूप में अगर आ जाए है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा ध्यान से समझना, अगर मेरे पास जैसे मैं कहूं आयत का परिमाप है ना, आयत का परिमाप क्या होता है भाई, ये तो सबको पता होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन क्या बेटा, चौड़ाई, ठीक है, लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई, 2 है ना, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये यहां पे देखो प्लस वाला फॉर्मूला है, ये प्लस वाला फॉर्मूला है, यहां पे दो भौतिक राशियां क्या हो रही है, जुड़ रही हैं, दो भौतिक राशियां क्या हो रही है, जुड़ रही हैं। लंबाई भी एक भौतिक राशि है ना, भौतिक राशि है, और चौड़ाई भी तो एक भौतिक राशि है, ठीक है, तो दो भौतिक राशियों का यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, एडिशन हो रहा है। तो सम वाले फॉर्मूले ऐसे आएंगे, 2 तो क्या है, मल्टीप्लीके उसमें मल्टीप्लाई हुआ है 2 का, ठीक है, और डिफरेंस वाले भी अगर कोई फॉर्मूले आए तब आपको क्या करना है। तो जैसे आयत का परिमाप है, सपोज इसको मैंने जेड से डिनोट कर दिया, किससे डिनोट कर दिया, जेड से, और लंबाई को मैंने किससे डिनोट कर दिया, ए से,
ठीक है, चौड़ाई को किससे कर दिया बी से। तो इस तरीके के बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, इसलिए हमने वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं मानकर चलता हूं कि मेरे पास क्या बेटा, मेरे पास है ना इस तरीके के फॉर्मूले आ सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, या तो क्या बेटा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, इस तरीके के फॉर्मूले मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है क्या, जेड इज इक्वल टू क्या ए प्लस बी और जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी के फॉर्म में बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो अब एरर का क्वेश्चन आएगा तो करेंगे क्या, तो जेड को आपको लिखना होगा डेल जेड इज इक्वल टू ए को लिखना होगा डेल ए प्लस माइनस बी को लिखना होगा क्या बेटा, क्या लिखना होगा बताओ, सोचो 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 है ना, बी को लिखना होगा डेल बी। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर माइनस वाला क्वेश्चन आया तो क्या करें, माइनस वाला अगर आता है तो इसको भी क्या लिखना है, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, ये जो एरर होती है बेटा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है, क्या होती है मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है क्या, अधिकतम संभावित त्रुटि, क्या बेटा अधिकतम संभावित त्रुटि। अगर ऐसे फॉर्मूले आए तो आपको ऐसा ही लिखना है, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस माइनस डेल बी, है ना, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब जरा ध्यान से समझना, एक बात याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट करके लिख लेना, यहां पर नोट करके क्या लिख लेना, अगर इस फॉर्म के क्वेश्चंस हमारे पास आए, न्यूमेरिकल आए, तो ट्रू वैल्यू को या वास्तविक मान को, है ना, वास्तविक मान को अगर प्लस वाला है तो क्या करना है, प्लस करना है, वास्तविक मान को जोड़ना है। ठीक है बेटा, और है ना, तो ये एक वास्तविक मान का हो जाएगा और उसमें एरर जो रहेगी है ना, जो त्रुटि रहेगी, कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि जो रहेगी उसको भी क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है क्या, इतनी बात याद रहेगी, निरपेक्ष त्रुटि को भी क्या करना है, जोड़ना है। समझो, अभी वास्तविक मान को भी जोड़ना है और निरपेक्ष त्रुटि को भी क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन अगर माइनस वाली बात आई, कौन सी बात आई बेटा, माइनस वाली बात अगर आई तो एक काम करना, वास्तविक मान तो क्या होगा बेटा, वास्तविक मान तो क्या होगा बताइए, वास्तविक मान, अरे यार, वास्तविक मान क्या होगा बेटा, है ना, वास्तविक मान, वास्तविक मान घटेगा। ठीक है क्या, लेकिन लेकिन है ना, जो निरपेक्ष त्रुटि होगी, निरपेक्ष त्रुटि जो होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, हमेशा जुड़ेगी। ठीक है क्या, हमेशा क्या होगी बेटा, जुड़ेगी। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। प्लस वाला क्वेश्चन आया तो जो वास्तविक मान होगा वो तो क्या होगा बेटा, जुड़ेगा, घटाने वाला आया तो घटेगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको निरपेक्ष त्रुटि को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों ही कंडीशन में निरपेक्ष त्रुटि को क्या करना है, जोड़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें बस यही है कि निरपेक्ष त्रुटि को घटाना है, सॉरी वास्तविक मान को जोड़ना है, जोड़ने वाला क्वेश्चन है तो जोड़ना है, घटाने वाला क्वेश्चन है तो घटाना है, लेकिन निरपेक्ष त्रुटि को क्या करना है, जोड़ना ही है। ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला अगर कॉन्सेप्ट आ जाए, किसका बेटा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो जैसे देखो हमारे पास है ना आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है, अरे है कि नहीं। तो इस टाइप के अगर फॉर्मूले हमारे पास आए, या इससे रिलेटेड हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आए, या इस तरीके के कोई न्यूमेरिकल हमारे पास आए, तब क्या करना है, तो सपोज जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी है,
या तो डिवाइड वाले भी फॉर्मूले रहते हैं, जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, जैसे होता है ना डेंसिटी इज इक्वल टू घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो अपॉन में है ना, डिवीजन वाले फॉर्म में है। दोनों ही कंडीशन में कैसे लिखना है, तो इसको ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, डेल जेड अपॉन जेड, डेल जेड अपॉन जेड। अच्छा तो जेड क्या होगा बताओ, वास्तविक मान है, और ऊपर जो होगा वो क्या होगा बेटा, निरपेक्ष मान होगा, ऊपर वाली एब्सोल्यूट एरर, नीचे वाली ट्रू वैल्यू, ठीक है क्या। जैसे अगर मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, जो आप ऑप्टेन करते हो जो आपको मिलते हैं उसको कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, बात सही है। तो ट्रू वैल्यू हमेशा या जो एक्चुअल वैल्यू हमेशा जो होगी वो कहाँ रहेगी बेटा, नीचे रहेगी, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन क्या हो जाएगी बेटा, बी, प्लस माइनस, मैक्सिमम लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहां भी मैक्सिमम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ओके क्या, यहां भी मैक्सिमम लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जेड है ना, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी लिखना है। अब जितने भी टर्म्स हो उसमें, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन क्या बेटा, सी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जेड को लिखूंगा डेल जेड अपॉन जेड, ए है तो डेल ए अपॉन ए, ठीक है, फिर प्लस लगाया, बी है तो क्या लिखूंगा, डेल बी अपॉन बी, सी है तो क्या लिखूंगा, डेल सी अपॉन सी, क्लियर है क्या। अब जितने भी आए सबको क्या करना है, ऐसे लिखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझना, अगर पावर वाला फॉर्म आए, घात वाला आए, जैसे होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो ऐसी कंडीशन में सपोज जेड इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए की पावर एन है, ठीक है, तो आपको जेड को तो पता है क्या लिखना है, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए को भी क्या लिखना होता है, ये भी पता है, डेल ए अपॉन ए, लेकिन पावर का क्या करोगे, तो पावर को हमेशा सामने लाना है, पावर को कहां लिखना है, हमेशा सामने लाना है, या पावर को कहां लिखना है बेटा, सामने लिखना है, ठीक है क्या, ठीक है। जैसे मैंने कहा सपोज है ना जेड इज इक्वल टू है ना कोई वेरिएबल है मेरे पास एक्स, ठीक है, इस पर क्या है बेटा, स्क्वायर है, तो जेड को क्या लिखूंगा, डेल जेड अपॉन जेड, एक्स को क्या लिखूंगा, डेल एक्स अपॉन एक्स, और टू को कहां लिख दूंगा, यहां सामने, ठीक है। अब न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, चलो आ जाओ फिर, आ जाओ है ना, हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम, चलो ध्यान से समझना, ठीक है क्या बेटा, ध्यान से समझना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, मजेदार होने वाला है सॉल्यूशन, जरा ध्यान से समझना। किसी तापमापी द्वारा, थर्मामीटर, तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंड के ताप, ठीक है क्या, T1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, इतना है ना, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है क्या, और T2 कितना है बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से समझना भाई, ठीक है क्या। गिवन तो पहले लिख देता हूं भाई मैं, है ना, गिवन डेट क्या है मेरे पास, ठीक है, T1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना है मेरे पास, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये मेरे पास गिवन है, और इतना भी पता है कि जो पहले वैल्यू गिवन होती है वो ट्रू वैल्यू होती है ना, एक्चुअल वैल्यू होती है, वास्तविक मान होता है, और ये प्लस माइनस के बाद जो लिखा होता है ये क्या होता है बेटा, उसमें एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, निरपेक्ष मान होता है, तो पहले वाला जो है वो ट्रू वैल्यू वास्तविक मान, और बाद वाला क्या बेटा, एब्सोल्यूट एरर मतलब निरपेक्ष मान, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना, तापांतर, अंतर निकालना है, तापों का क्या निकालना है बेटा, अंतर निकालना है, क्या निकालना है, अंतर। अब जरा ध्यान से समझना,
पहले आपके पास 90 रुपीज थे, कितने रुपीज थे? 90। अब आपके पास हो गए 100 रुपीज। कितने का चेंज आया बेटा, कितने का चेंज आया? तो आप कहोगे सर 10 रुपीज का चेंज आया। परिवर्तन कितने का आया? तो 10 रुपए का आया। ठीक है क्या? अब कैसे पता चला कि 10 रुपए का आया? तो आपने क्या किया, 100 माइनस किया कितने में बेटा, 100 माइनस किया कितना, 90। तब जाके आपका आंसर कितना आया, 10। इसका मतलब ये है कि ये अंतिम मान था, फाइनल वैल्यू थी। ये क्या थी बेटा? फाइनल वैल्यू। और ये क्या थी बताइए? इनिशियल वैल्यू। अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो सोचो जरा, T1 माइनस T2 करना पड़ेगा कि T2 माइनस T1 करना पड़ेगा? तो क्लियर है एकदम, T2 माइनस क्या करना पड़ेगा, T1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बेटा? T2 माइनस करना पड़ेगा T1। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, चाहे प्लस वाला क्वेश्चन हो चाहे माइनस वाला क्वेश्चन हो, क्या करना है, क्या करना है यहीं से बता देते हैं। चलो, अगर इनको माइनस करना है, मुझे क्या करना है बेटा, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचो जल्दी से। माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, चलो यहीं से माइनस कर देते हैं, यहीं से माइनस कर दे। माइनस करने पर क्या होगा, सोचो जल्दी से, माइनस करने पर क्या होगा? तो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो T2 माइनस क्या करना है, T1, है ना, ध्यान रखना भाई, T2 माइनस क्या करना है, T1। मतलब 50 माइनस 20 करेंगे, 50 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर सबसे प्रॉब्लम वाली बात, फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। घटाने वाला है, घटाने वाला है, तो वास्तविक मान तो क्या होगा, घटेगा, लेकिन निरपेक्ष त्रुटि हमेशा क्या होगी बेटा, जुड़ेगी। निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी। तो यहां पर क्या करना है मुझे, यहां पर क्या करना है मुझे, प्लस माइनस हो जाएगा कितना, दोनों को ऐड कर दो, यहां माइनस नहीं करना है, यहां पर क्या करना है, प्लस करना है। तो 1.0 डिग्री सेल्सियस। कितना बेटा, 1.0 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, माइनस, और ये दोनों क्या होंगे, प्लस। ठीक है, इसको समझना ध्यान से। अब ये देखो, ये किस फॉर्म का है, डिवीजन वाले फॉर्म का है, वी अपॉन आई है, डिवीजन वाला है, भाग वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी, सॉल्यूशन, कौन से नंबर का सॉल्यूशन होगा ये, सेकंड नंबर का। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये हम सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या, V अपॉन I। अभी मैंने A अपॉन B लिया था, Z इज इक्वल टू क्या लिया था, A अपॉन B लिया था। तो सबसे पहले तो मैं इसे लिख दे रहा हूं, R इज इक्वल टू क्या, V अपॉन I। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया, अगर Z इज इक्वल टू क्या है, A अपॉन B है, तो आपको क्या करना है भाई, क्या करना है, क्या करना है, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, और ये जो अपॉन में वैल्यूज है, ये सब कौन सी वाली वैल्यूज है बेटा, एक्चुअल वैल्यूज है, वास्तविक मान है। कैसे मान है ये, वास्तविक मान है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना। तो आर को मैं लिख दे रहा हूं, डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी का मान कितना है भाई मेरे पास, 100 प्लस माइनस 5, और आई का कितना है बेटा, आई का कितना है, 10 प्लस माइनस 0.2। आर में प्रतिशत त्रुटि, कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आपको फाइंड आउट करनी है। जरा ध्यान से समझना अब। ठीक है, तो पहले जो वैल्यू गिवन होती है, ये वैल्यू कौन सी होती है बताइए, ये वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है क्या बेटा,
चलो तो डेल्वी ये है फाई, फाई अपॉन वी कितना हो जाएगा बोलो, 100 प्लस ये कितना हो जाएगा बताएं, है ना, 0.2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 10, डेल आर अपॉन आर निकल गया, डेल आर अपॉन आर निकल गया इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे 5/100 में ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 2 पॉइंट हटाया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 100, ठीक है क्या, ये क्या हो जाएगा 100। अब याद करो यहां से इतना समझ के, अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा, यहां से देख लेते हैं ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना ठीक है। ये देखो ये क्या था, डेल ए मीन अपॉन ए मीन, ये सापेक्ष त्रुटि था, इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, है ना। तो यहां पर जरा समझें, ये रिलेटिव एरर डेल ए मीन अपॉन ए मीन, है ना, अपॉन में होता है। फिर अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो तो उसमें मैं क्या कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्यों, अब तो मैंने ये क्या निकाला है, फ्रैक्शनल एरर निकाला है ना, सापेक्ष त्रुटि निकाला है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, परसेंटेज एरर में। अगर जरा समझो ध्यान से, परसेंटेज एरर है ना, परसेंटेज एरर इन आर किस में बेटा, आर में, ठीक है, परसेंटेज एरर इन आर। तो 5/100 कितना है बेटा मेरे पास, 5/100 कितना है 100 है, इसमें मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, परसेंटेज में। इसमें भी मैं क्या कर दूं बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। ये 100 से 100 कट करो तो 5% प्लस ये कितना बेटा 2%, तो बोलो कितना हो गया 7%। तो आर में परसेंटेज एरर कितना आया, आर में परसेंटेज एरर कितना आया बेटा 7%। अब एक ट्रिक बताते हैं, जरा ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में ये एक्चुअल वैल्यू 100 है, क्या बेटा एक्चुअल वैल्यू क्या है 100 है, तो आपको आग बंद करके क्या करना है, जो एब्सोल्यूट एरर लिखा है उसको आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी है 100 है, जैसे यहां पे मैंने 100 बना लिया था, इसको जरा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये हो गया 5% और प्लस वो कितना बेटा 2%, आंसर कितना बोलो 7%। अगर एक्चुअल वैल्यू मेरे पास कितनी है 100 है, और 100 नहीं है तो उसको 100 बनाने की कोशिश करो, जैसे 10 है तो 10 को मैंने 100 बना दिया, तो ऐसी अगर आप इस तरीके से आप क्या करोगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा इजी वे में बनेगा ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, ये तो डायरेक्ट हो गया, अब जरा ध्यान से समझना, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ठीक है क्या, जरा ध्यान से समझना, थर्ड नंबर का क्वेश्चन ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान मतलब m ठीक है, वेग मतलब v के मापन में प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि भैया पहले से गिवन है ठीक है क्या, क्रमशः 2% है ना, 2% और कितना है बेटा 3% है ठीक है क्या। उस वस्तु की गतित ऊर्जा किसमें बताइए, गतित ऊर्जा की गणना जब करोगे तो उसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन भी है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या होना, फॉर्मूले, लास्ट में किसमें बोला है भाई, किसमें मेरे को परसेंटेज एरर चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में, गतित ऊर्जा में, तो गतित ऊर्जा का फॉर्मूला तो सबको पता है, और इतने सारे फॉर्मूले मैंने करवाया और साथ में डायमेंशनल फॉर्मूले भी करवाया है, मेरे ख्याल से उसको रिवाइज करते रहना चाहिए आपको। और ये क्या है बेटा, हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी का क्या है, फॉर्मूला है। अब जो भी फॉर्मूला आप लिखोगे उसमें कांस्टेंट वैल्यू जो रहेगी उसको पहले ही हटा देना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास एक्चुअल में अभी कितना है, एम वी स्क्वेयर है, क्या है बेटा, एम वी स्क्वेयर है। अब जरा ध्यान से समझना, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो क्या करना है, आप क्या करिए, m है तो m लिख दीजिए, प्लस माइनस वाले में नहीं बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले में क्या करना, जब पावर भी साथ में हो,
एम लिख देना, वी लिख देना। एम पर पावर कितने की बेटा? वन की। वी में पावर कितने की है? टू की। ठीक है क्या? अब एम में परसेंटेज एरर देखो जरा कितना है, द्रव्यमान में कितना है? 2%। ठीक है, और है ना वेग में कितना है बेटा? 3%। पहले यहां क्या लिखना? पावर, और यहां पर क्या लिख देना बेटा? एरर। ठीक है क्या? एरर। तो जरा देखें, 2 3 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2%, और 3 2 जा 6%, ऐड कर दीजिए 8%। सिंपल सा, कितना बेटा? 8%। कोई ज्यादा इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चन आए जिसमें हमको फॉर्मूला लगाना है, उसको क्या करो आप, ऐसे ही बनाना शॉर्ट तरीके से। तो पहले पावर लिख देना सबकी, और पावर लिखने के साथ उनकी रिस्पेक्टिव क्या बेटा, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उसकी क्या कर देना आप, परसेंटेज एरर को लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना, सम कर देना। एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है? ये जरा देखो, किसी गोले की त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? त्रिज्या के मापन में, और क्या है बेटा? गोला है, प्रतिशत त्रुटि है, जैसे अभी गिवन 2% है, तो गोले के आयतन में, किसमें बेटा? आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी। आयतन में पूछा, आयतन में, तो जैसे अभी काइनेटिक एनर्जी में पूछा था ना, अब किसमें पूछ रहा है? आयतन में। तो आयतन क्या है? आयतन क्या है गोले का? तो गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन क्या है सोचो जल्दी से, है ना, सोचो जल्दी से। 4/3 πr³। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कांस्टेंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो एक्चुअल में गोले का आयतन मेरे पास है कितना बेटा? गोले का आयतन मेरे पास है कितना? ठीक है, गोले का आयतन मेरे पास है कितना? पाई भी कांस्टेंट है, 4/3 भी क्या है? कांस्टेंट है। ये हो जाएगा क्या बेटा? आर क्यूब। क्या हो जाएगा? आर क्यूब। अब आर को आप ऐसे लिख दो, आर को आप ऐसे लिख दो, है ना, इसकी पावर को लिख दो पहले, और आर में परसेंटेज एरर कितना है बेटा? 2%, तो ये 2% लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6% क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है क्या? और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसको भी जरा ध्यान से समझ। किसी प्रयोग में चार भौतिक राशि है, ए बी सी डी, और इसमें परसेंटेज एरर कितना है? तो ए में है 1%, बी में है 2%, सी में है 3%, और फोर में है, सॉरी डी में है कितना बेटा? 4%। तब आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है पी, देखो फॉर्मूला भी गिवन है, तो पी में आपको क्या पूछा है? परसेंटेज एरर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी डी जो दिया है उसको लिखो, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, और क्या लिखा? डी लिखा। क्या लिखा बेटा? डी लिखा। ठीक है क्या? अब जरा ध्यान से समझना, ए में परसेंटेज एरर, सॉरी है ना, ए की पावर क्या है? 3। बी की पावर कितनी है? 2, है ना, सी की पावर कितनी है? 1। डी की पावर कितनी है? 1। तो अब पावर, इसमें परसेंटेज एरर देखो, ए में कितना बेटा? 1%, बी में देखो जरा 2%, सी में देखो जरा 3%, डी में देखो जरा 4%। क्या होगा? 3 1 जा 3%, 2 2 जा 4%, 3 1 जा 3%, 4 1 जा 4%, कितना हुआ? 3 3 6 हो गया, 6+4 10 हो गया, 10+4 14% आंसर डायरेक्ट। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स क्या हो गए बेटा, समझ में आ गए होंगे। और आपको कंटिन्यूटी में क्लासेस देखनी है भाई, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन दे दी देख लिया और 4 दिन नहीं देखना है, ठीक है? आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आपको क्या करना है बेटा, रेगुलर पढ़ना है, ठीक है? रेगुलर वीडियो आपको मिल ही रहे हैं। थैंक यू सो मच।